दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराना सही है और रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराने के लिए क्या क्या चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रजिस्ट्री से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं पर फ्रॉड होता है। जी हाँ दोस्तों, जब रजिस्ट्री से रजिस्ट्री होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, इसलिए अगर आप भी रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और नहीं भी करा रहे हैं तो भी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी भी काम आ सकती है। तो दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन आपको जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से रजिस्ट्री करा रहे हैं उससे आप पूछिए कि आपने रजिस्ट्री करा ली है और रजिस्ट्री के बाद आपने नामांतरण क्यों नहीं कराया है, जिसको कि दाखिल खारिज भी बोलते हैं। तो आप उससे पूछिए कि आपने नामांतरण क्यों नहीं कराया है, और रजिस्ट्री को कराए हुए इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्री कब की हुई है, कितना समय हो गया है। अगर रजिस्ट्री ज्यादा पुरानी है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप उसकी पहले छानबीन करिए, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, वहां पर आप रिकॉर्ड चेक करवाइए कि कहीं दूसरी इस रजिस्ट्री से और रजिस्ट्रियां तो नहीं करवा दी गई हैं, और आपको तहसील कार्यालय में भी कोई तहसील में जाकर ये जानकारी लेना चाहिए कि इस रजिस्ट्री से इस खसरा नंबर से कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया है कि रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराना सही है या नहीं है। अब दोस्तों रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो तो जाती है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आपको ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये जो रजिस्ट्री हुई थी, इस रजिस्ट्री को किस व्यक्ति से खरीदा गया था। तो वो आपको रजिस्ट्री पे डिटेल मिल जाएगी कि ये जो जमीन या प्लॉट हमने, जो व्यक्ति हमको रजिस्ट्री करा रहा है उसकी रजिस्ट्री आप चेक करेंगे तो उस पे नाम लिखा रहेगा क्रेता और विक्रेता का। तो वहां पर आप उस व्यक्ति का खसरा निकाल सकते हैं, खसरा नंबर आप डालेंगे, अभी वर्तमान में किसका नाम आ रहा है आप ऑनलाइन चेक करिए कि जो खसरा होता है उसमें किसका नाम आ रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों खसरे पर किसी और दूसरे व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो हम आपको सलाह यहाँ पर ये देंगे कि आप रजिस्ट्री से रजिस्ट्री उस समय मत कराइए, आप उस व्यक्ति को कहिए कि भैया आप इसका नामांतरण करा दो, आप इसका दाखिल खारिज करा दो, इस जमीन प्लॉट को आप अपने नाम करा लो, उसके बाद फिर हम रजिस्ट्री आपसे कराएंगे। तो आपको यहाँ पर बेनिफिट ये मिल जाएगा दोस्तों कि होता क्या है कि जब हम रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन जब आप इसको नामांतरण आप अपने नाम पे करवाने के लिए तहसील में केस लगाएंगे, आप तहसील कार्यालय जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। पहली दिक्कत ये हो सकती है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप प्लॉट खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति ने किसी और दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री कराई हो, फिर और उस व्यक्ति ने किसी और से रजिस्ट्री कराई हो, तो ऐसा करके तीन चार व्यक्तियों ने नामांतरण नहीं कराया हो, रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराई हो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है कि जब नामांतरण की प्रोसेस होती है तो जब तहसीलदार होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो रजिस्ट्री कराई है, हमें नामांतरण के लिए चैन रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। चैन रजिस्ट्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि आज मान लीजिए वर्तमान में ऑनलाइन जब खसरा निकाला जाएगा तो किस व्यक्ति का नाम आ रहा है, अब उस व्यक्ति का जो नाम आ रहा है उससे लेकर जिन व्यक्तियों की आज तक रजिस्ट्री हुई है उन सारे व्यक्तियों की रजिस्ट्री को केस में आपके नामांतरण प्रकरण में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो है नामांतरण होगा।
अब मान लीजिए दोस्तों ऐसी स्थिति में जिन व्यक्ति के मान लीजिए दो व्यक्ति तो आपको मिल रहे हैं लेकिन तीसरा व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ गया, उसकी रजिस्ट्री आप कैसे करोगे, कैसे निकालोगे। और कल को मान लो आपने निकाल भी ली, रजिस्ट्रार ऑफिस आप गए, सर्टिफाइड कॉपी निकाल भी ली, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद में उसने आपत्ति ले ली तहसील कार्यालय में आकर कि साहब इस जमीन का नामांतरण नहीं किया जाए, इसमें मुझे ये फलानी फलानी आपत्ति है। तो यहाँ पर आप दोस्तों बड़ी भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए हम आपको सलाह ये देंगे, इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मेन उद्देश्य ये था कि आप अगर रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्री करानी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें कोशिश ये करिए कि कभी भी रजिस्ट्री से रजिस्ट्री मत कराइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छी जमीन है, रोड की जमीन है, मौके की जमीन मिल रही है आपको या कम दाम पे मिल रही है या फिर कोई आपका फायदा हो रहा है और आपको कराना ही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है उसकी डिटेल निकालनी है, उसकी जानकारी ये निकालनी है कि भैया जो रजिस्ट्री आपने आप हमें करा रहे हो रजिस्ट्री से, तो आप इसका पहले नामांतरण करा लीजिए और उसके बाद में नामांतरण हो जाएगा तो फिर हम रजिस्ट्री करा लेंगे। पहला आप ये बोलिए जिस व्यक्ति से आप जमीन प्लॉट खरीद रहे हैं। उसके बाद आप जाइए तहसील कार्यालय, वहां जाकर आप ये जांच करवाइए कि इस खसरा नंबर की जो जमीन है इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है तहसील कार्यालय में। इसके अलावा आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्च की रसीद कटवाइए, वहां पर आप चेक करवाइए कि इस जो है रजिस्ट्री पर कोई और रजिस्ट्री तो पहले से नहीं हो गई है। दोस्तों होता यह है कि रजिस्ट्री से रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन अगर आप सामने वाले व्यक्ति ने उसका नामांतरण नहीं कराया है तो वो खसरे पे उसका नाम नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि इस रजिस्ट्री से और व्यक्ति को भी ये जमीन पहले ही रजिस्ट्री करा दी गई है और आप बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाएंगे और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ेंगे, आपका पैसे का नुकसान भी होगा, समय का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये जो वीडियो बनाया है इसका मेन उद्देश्य यही था कि आपको हम बता सकें कि रजिस्ट्री से रजिस्ट्री आपको कब नहीं कराना चाहिए और आप कराते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।